हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और संक्रामक रोग में आज हम एक और रोग के बारे में पढ़ेंगे जो संक्रामक है, भयानक संक्रामक हम कह सकते हैं। और भयानक रूप से यह काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। तो इस बीमारी का नाम है एड्स, जिसको इंग्लिश में AIDS बोला जाता है। तो एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। विश्व के लगभग 4-5 करोड़ लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। तो विश्व का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस बीमारी के चपेट में है, खासकर जो अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ के लोग इस बीमारी से अधिक संक्रमित हैं। अशिक्षा या बचाव के माध्यम न अपनाने की वजह से वो लोग अधिक संक्रमित हो गए हैं। और जो इसकी शुरुआत हुई वो भी अफ्रीका से ही मानी जाती है। तो अफ्रीका का एक देश है कांगो। कांगो में बताया जाता है कि सबसे पहले एड्स इस बीमारी का केस कांगो देश में ही आया, और यह 1960 की बात है। मगर तब इस बीमारी के बारे में लोग जानते नहीं थे कि यह कैसे फैलती है। मगर बाद में उन मरीजों के जो सैंपल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी या जो संक्रमित थे, बाद में उनकी जांच की गई तो उनमें एक वायरस पाया गया जो 1980 के आसपास पता चला, और उस वायरस का नाम था HIV। तो हम सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं, AIDS। एड्स ये कोई अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात यह अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है अपने शरीर की उसको कम कर देती है। तो पहले हम एड्स का पूरा नाम जान लेते हैं। ए से बनता है AQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो, डी से DEFICIENCY डेफिशिएंसी सिंड्रोम SYNDROME। तो ये इसकी फुल फॉर्म है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात जो एक्वायर्ड होते हैं जरूरी होते हैं, इम्यून जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो जो जरूरी प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की, डेफिशिएंसी अर्थात उसको कमजोर कर देता है, और सिंड्रोम बोलते हैं लक्षण को। अर्थात जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के जो लक्षण हैं उसको हम एड्स नाम से पुकारते हैं। अर्थात यह अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर प्रभाव डालती है, और इस प्रभाव डालने का कारण है एक वायरस जिसका नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, HIV। एच से ह्यूमन इम्यूनो, IMM इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस VIRUS। तो ये इसकी फुल फॉर्म है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अर्थात ह्यूमन जो मनुष्य से संबंधित है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाला वायरस। तो HIV ये वो वायरस है जिस कारण अपना शरीर हम रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको, वो खो देता है। और उस खोने की वजह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी कमजोरी की वजह से हमारे शरीर पर जो दूसरे रोग हैं, जो विषाणु जनित या संक्रामक या और कोई बीमारी है, वो हमला कर देती है, और हम उन बीमारियों से निजात नहीं पा सकते। तो धीरे धीरे जब बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है और हमारा शरीर उनको सहन नहीं करता, तो यह रोग और अधिक बढ़ जाता है। तो निरंतर होने वाले आक्रमणों के कारण शरीर पर एक के बाद एक दूसरी बीमारियों का आक्रमण होने लगता है, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह आपने नोट कर लिया होगा, इनको अच्छे से नोट करें। फिर है कि जब यह बीमारी फैलती है तो इसके कारण और लक्षण क्या हो सकते हैं। तो एड्स जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं,
हमने पहले ही पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं कि लक्षण हमारे शरीर में रोगाणु या वायरस ने प्रवेश कर लिया मगर लक्षण नहीं दिखे, तो उस समय को जब लक्षण दिखने तक के समय को हम उद्भवन काल कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। जब आपने पहले के लेक्चरों में पढ़ा होगा तो याद है उद्भवन काल। तो जो उद्भवन काल है इस बीमारी का, तो यह बहुत ही लंबा हो सकता है, 2 से 5 वर्ष। अर्थात हमने कब उस वायरस को अपने शरीर में लिया और हमें पता भी नहीं चलता कि वो अपने शरीर में रहा 2 साल या 5 साल भी, 2 या 5 वर्ष के बाद वो अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है। अर्थात वह इतने लंबे समय तक सुस्त अवस्था में या सुप्त अवस्था में अपने शरीर में रहता है और अंदर ही अंदर अपने शरीर में अपनी खुद की जनसंख्या को बढ़ाता रहता है और लास्ट में वो हमला करता है, तब 2 से 5 वर्ष बीत चुके होते हैं, अर्थात हमारे काबू से बाहर बात चली जाती है जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस बीमारी का कहते हैं कि एक ही इलाज है कि मृत्यु ही एड्स का इलाज है, हमें कुछ और इलाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको एड्स हो गई है तो आप कुछ लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं कुछ औषधीय या चिकित्सा सुविधाओं के कारण, मगर आपकी मृत्यु निश्चित है। तो आगे देखते हैं फैलने के कारण कि इस बीमारी के कारण कौन से हैं जिनसे यह फैलती है, फैलने के कारण। तो फैलने के कारण सबसे पहले तो जो शारीरिक संबंध होते हैं वो आपस में हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या आजकल एक नाम सुना होगा आपने, समलैंगिकता। समलैंगिकता तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है फैलने का, समलैंगिकता। नंबर 2 पर हम लिखेंगे कि जो शारीरिक संबंध हैं वो असुरक्षित होंगे तो यह बीमारी अवश्य ही फैलेगी। तो असुरक्षित शारीरिक संबंध। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जब हम रक्त लेते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं तो जो संक्रमित रक्त होता है वो भी इसका फैलने का कारण बन जाता है, कि किसी जो एचआईवी पॉजिटिव जो रक्त है, एचआईवी पॉजिटिव ब्लड है, अगर वो इन्फेक्शियस होगा एचआईवी से तो ये भी एक कारण बन जाता है इस बीमारी के फैलने का। तो संक्रमित रक्त। नंबर 4 पर हम लिखेंगे संक्रमित सुई का इस्तेमाल, जो इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम सिरिंज बोलते हैं, तो यह भी एक कारण है कि अगर कोई उसी सिरिंज से किसी संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है, अगर वही सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगाती है तो पूरी पूरी संभावना होती है कि एचआईवी पॉजिटिव जो वायरस है एचआईवी का, वो स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाएगा। फिर है कि जब भी बाल काटते वक्त या शेविंग करते हुए जो रेजर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो ब्लेड होता है, अगर हम एक ही रेजर से या एक ही ब्लेड से कई व्यक्तियों के बाल काट देते हैं तो उससे जो हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या संक्रमण है, तो वो संक्रमण स्वस्थ व्यक्तियों में भी जा सकता है। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे संक्रमित ब्लेड या रेजर बाल काटना। तो ये कुछ कारण हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इनसे यह बीमारी फैल सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि इस बीमारी का जो बचाव है वही इलाज है, अगर यह बीमारी हो गई तो मौत ही इसका इलाज है। तो इन जो फैलने के कारण हैं इनसे इनमें सावधानी बरतें, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो नई सुई का इस्तेमाल करने को बोलें उसको, अगर आप बाल कटाने जा रहे हैं ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है तो नए ब्लेड के लिए बोलें कि नया ब्लेड लो, क्योंकि ब्लेड 1 रुपए से भी कम में वो यूज होता है, पूरा ब्लेड लगता भी नहीं, आधा ब्लेड यूज करते हैं। तो आप बाल कटाने के लिए कम से कम 20 रुपए तो देते ही हैं,
तो 20 रुपए में अगर आप 1 रुपए का ब्लेड भी उसको बोलेंगे तो वो मना नहीं करेगा। मगर कई नाई ऐसे होते हैं जो एक ही ब्लेड से काफ़ी लोगों के बाल काट देते हैं या उनकी शेविंग बना देते हैं, तो वह बहुत ही गलत है। आजकल सब लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं करते, मगर आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको ऐसा करने के लिए बोलें तो सब अच्छा रहेगा। आप अपने तरफ से विश्वसनीय हो जाएंगे कि मैं संक्रमण से मुक्त हूँ। तो फैलने के कारण से आगे हम पढ़ेंगे कि लक्षण क्या होते हैं, एड्स जो बीमारी अगर हो गई है तो इसके लक्षण क्या दिखेंगे, तो हम लक्षणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। लक्षण अर्थात क्या क्या दिखाई देता है, शरीर में क्या क्या हलचल होती है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि शरीर के बाहर में बहुत गिरावट, कि शरीर का भार तेजी से गिरने लगता है और लगातार यह गिरता ही रहता है, कम होता रहता है शरीर का वजन। नंबर 2 पर हम लिखेंगे कि इस बीमारी के कारण भयंकर दस्त लगते हैं, दस्त। तीसरा कारण है लंबे समय तक जवर या बुखार हम कह सकते हैं, बुखार रहता है। चौथा कारण हम लिखेंगे त्वचा पर निरंतर खुजली होती रहती है। तो ये भी इसका एक कारण है। एक और लक्षण है कि जब भी कोई छोटी मोटी बीमारियां लगती हैं तो वो जल्दी सी जाती नहीं हैं और बार बार हमला करती हैं, तो यह भी इसका एक लक्षण है। अन्य बीमारियों का बार बार आक्रमण, तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। जरूरी नहीं है ये एड्स के ही लक्षण हो, किसी अन्य बीमारी में भी ये लक्षण कि शरीर का भार कम होने लगता है, भयंकर दस्त आपके डायरिया में भी लगते हैं या कोई बुखार हो जाता है उसमें भी हो जाता है, लंबे समय तक बुखार, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है एड्स की है। मगर जो एड्स के मरीज हैं उनमें ये लक्षण कॉमन देखे गए हैं, कि जो पीड़ित हैं एचआईवी से, वायरस से, तो उनमें ये कुल मिलाकर ये एवरेज में लक्षण देखे गए हैं। हाँ, किसी कोई एक लक्षण हो गया तो आपको ये घबराना नहीं है कि वो एड्स ही हो, ज़रूरी नहीं है, वो आपका कोई अन्य रोग भी हो सकता है। जैसे बहुत से रोगों में वजन कम होता रहता है, बहुत से रोगों में दस्त भी लगते हैं और वो एड्स भी नहीं होते, तो ये लक्षण जरूरी नहीं है एड्स के ही हैं, मगर एड्स के रोगियों में ये लक्षण देखने को आम मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम बचाव के माध्यम। बचाव में मैंने सबसे पहले यही बताया कि अगर एड्स हो गया है तो मृत्यु ही इसका बचाव है। तो कुल मिलाकर हम बचाव के माध्यम और भी जान लेते हैं कि क्या क्या बचाव कर सकते हैं कि हमें वो रोग न लगे। तो बचाओ, सबसे पहला बचाओ रोग की जानकारी ही हम लिखेंगे कि अगर हमें रोग फैलने के बारे में पता है, रोग की जानकारी अगर हमें पता है, रोग कैसे फैलता है, क्या क्या संक्रमण हो सकता है, तो हम उसके बचाव के माध्यम अपना सकते हैं और इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। नंबर 2 है कि फैलने बारे में ज्ञान, कि अगर हमें फैलने के बारे में ज्ञान है तो भी हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमने जो शुरू में लिखा था कि किन माध्यमों से फैलता है, कारण क्या है इस रोग के फैलने के, दो असुरक्षित जो शारीरिक संबंध थे, असुरक्षित शारीरिक संबंध से दूर रहें, तो ये भी इसका एक
महत्वपूर्ण बचाव है कि असुरक्षित शारीरिक संबंधों से दूर रहें। फिर है जो हमने रक्त, जो संक्रमित रक्त का इस्तेमाल करने से भी यह रोग हो जाता है, तो उस संक्रमण युक्त रक्त लेने से पहले या देने से पहले उसकी जांच अवश्य करवाएं। तो रक्त की जांच, तो जब जब भी रक्त एक दूसरे को चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है, और उसमें जो HIV का टेस्ट होता है वो भी प्रयोग किया जाता है। तो रक्त की जांच अवश्य करवाएं। मगर कई संस्थान ऐसे हैं जो लापरवाही कर देते हैं, कई डॉक्टर होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, और वो लापरवाही किसी व्यक्ति के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, उसकी जान पर भी बन सकती है। तो आप भी अपने तरीके से विश्वसनीय रूप से हम जांच करवा सकते हैं, रक्त की जांच। तो एक और था जो सुई प्रयोग में लाई जाती है, तो प्रयोग में लाई गई सुई का इस्तेमाल न करें। तो जो संक्रमित सुई है, या वो सुई संक्रमित है भी नहीं, नहीं भी है तो भी हमें उसको दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक बार यूज हो गई है तो यूज एंड थ्रो, हमें जो फॉर्मूला मेडिकल में अपनाया जाता है, एक बार किसी पर वो यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं करना। तो सुई का भी ऐसे ही है, हमें दोबारा यूज नहीं करनी है उसको। फिर है नंबर 6 पर हम एक और लिखते हैं, जब भी हम बाल कटाने जाते हैं तो जो शेविंग होती है या कोई कटिंग होती है तो उसमें जो ब्लेड का प्रयोग होता है तो वो भी हमें दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, बाल काटने के दौरान नए ब्लेड का प्रयोग करें। तो ये कुछ बचाव के माध्यम हमने जाने कि हम बीमारी के लगने से पहले अगर हम बचाव करेंगे तो ही हमारा फायदा है। अगर एक बार बीमारी लग गई तो इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है, और जो भी वायरस जनित रोग होते हैं उनका इलाज बहुत ही कम मिलता है। तो आपको इन रोगों की जानकारी होनी चाहिए, फैलने के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पहले से ही जागरूक हैं तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमने कुछ बचाव के माध्यम जाने, और ये माध्यम तभी प्रयोग में लाए जाते हैं जब हम पहले से ही नॉलेज हमें इनकी होती है। तो आप इनको अच्छे से नोट करें, मैंने कारण, लक्षण और बचाव अलग अलग आपको नोट करवाए हैं, तो आप भी अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से क्रम वाइज नोट करें और अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।